आई थिंक अगर एग्जाम दिसंबर में है तो हमें 2 या 3 महीने पहले इसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए वरना एग्जाम नहीं निकलेगा। जो ये एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ओवरऑल, उसके अंदर 1800 में से 1200 अबव कट ऑफ रहती है जनरली, तो उसमें 1200 अबव अच्छे से स्कोर करोगे तो दैट विल रियली गिव योर चांस फॉर द इंटरव्यू। अगर हमें इंटरव्यू कॉल मिल गई तो यार उसके अंदर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाइज चीजें पूछी जाती हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हो सकता है, तुम्हारे से ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, से अगर तुमने कोई इंटर्नशिप करी है उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, जनरली थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन होता है। हाय, मायसेल्फ पारेख हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप टू क्रैक अ वेरी पॉपुलर एग्जाम दैट इज TCS NQT, TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। तो यार एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है अमंग स्टूडेंट्स, आई थिंक 3 से 4 लाख लोग हर साल दे रहे होते हैं इस टेस्ट को, क्योंकि फायदा क्या है, अगर टेस्ट दोगे और उसको क्लियर करोगे फिर इंटरव्यू कॉल फॉर वेरियस कंपनीज के लिए खुल जाते हैं, है ना, एंड जॉब की थोड़ी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं हर साल। तो मैं इसका आज एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ कि जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में, कि यार एग्जाम में क्या क्या आता है, उसके किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के सेक्शंस होते हैं, उनकी तैयारी हम कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, कहीं मत जाना, लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को अगर पसंद आए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आई थिंक यू शुड शेयर इट बिकॉज ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है, बिकॉज एज यू कैन सी बहुत सारे लोग देते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं TCS NQT के बारे में। पहली बात तो ये कब कब होता है, सो TCS NQT का टेस्ट जो है एवरी क्वार्टर होता है, राइट, मार्च में होता है, जून के आसपास होता है, सितंबर के आसपास होता है, दिसंबर के आसपास होता है, उसकी एप्लीकेशंस 2 से 3 महीने पहले खुल जाती है, तो स्टे बी अवेयर ऑफ दैट, है ना, अप्लाई करने उससे पहले हमें अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा, है ना, तो हर क्वार्टर में हो रहा होता है और जो भी तुम्हारा स्कोर आता है वो 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है ना, दैट इज द बेसिक ऑफ द एग्जाम, कि तुम एग्जाम कभी भी दे सकते हो, सेकेंड ईयर में हो तो वो तुम्हारे फोर्थ ईयर तक वैलिड रहेगा, फर्स्ट ईयर में तो थर्ड ईयर तक वैलिड रहेगा, सो थर्ड ईयर में हो तो अगले 2 साल तक वैलिड रहेगा, इस टाइप से, ठीक है। जनरली फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है, तो आई थिंक तुम्हें सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में देना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कंपनीज जो हायर करती हैं थ्रू TCS NQT, वो काफी सारी हैं, लाइक TCS खुद ही भी है, बाकी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाइटन है, क्रोमा है, बहुत सारी कंपनीज हैं, मोसाम्बी है, राइट, सीक नॉट्स है, ये सब मैंने कुछ कुछ कंपनीज दिख रखी है, बहुत सारी कंपनीज इस एग्जाम के बेसिस पे हायरिंग भी करती हैं, ठीक है। सो एग्जाम हमें देना चाहिए बिकॉज हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, इन चीजों को हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो एवरी क्वार्टर हो रहा है, और आई थिंक अगर एवरी क्वार्टर हो रहा है तो आई थिंक अगर एग्जाम दिसंबर में है तो हमें 2 या 3 महीने पहले इसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए वरना एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। और एक बार ही निकाल लेते हैं और उसके बाद हमारा स्कोर आ जाएगा और उसको हम यूज कर पाएंगे कहीं पर भी अगले 2 साल के लिए, है ना, तो एग्जाम देने में तो क्या ही नुकसान है। और काफी सही एग्जाम होता है इसका, आई थिंक मजा आता है इसका एग्जाम देने में। सो जनरली बहुत ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है, बट इन द सेंस कि अच्छा टेस्ट होता है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर इसकी तैयारी कर लेते हो तो तुम्हारा बहुत सारी स्किल्स भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं टेस्ट में क्या क्या होता है। देखो टेस्ट में जनरली तुम्हारे क्वांटिटेटिव स्किल्स मैटर करते हैं, है ना, लॉजिकल रीजनिंग वाले स्किल्स मैटर करते हैं, तो और वर्बल स्किल्स, तो एक वर्बल का सेक्शन होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन होता है, या लाइक दीज आर द मेन थिंग्स, है ना। उसमें आई थिंक वर्बल एबिलिटी में 24 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में 30 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 क्वेश्चन आते हैं, राइट, दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस विच आर देयर। बाकी इसके अलावा एक प्रोग्रामिंग का सेक्शन भी होता है जिसके अंदर आउटपुट के क्वेश्चंस लैंग्वेजेस के और 2 कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो दीज आर द सेक्शंस ऑफ द टेस्ट जो हमें करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कट ऑफ होती है, यार कट ऑफ के लिए जनरली ये होता है कि लाइक जो हमारा जो ये एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ओवरऑल, उसके अंदर 1800 में से 1200 अबव कट ऑफ रहती है जनरली, तो उसमें 1200 अबव अच्छे से स्कोर करोगे तो दैट विल रियली गिव योर चांस फॉर द इंटरव्यू। बाकी जो IT सेक्शन है उसके अंदर कुछ 60 मार्क्स का होता है, उसके अंदर 30 मार्क्स एंड अबव होता है, तो काफी सही कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो इंटरव्यू कॉल तुम्हें आराम से मिल जाएगी। तो अगर वहाँ 1200 प्लस कर लेते हो और इसमें 30 प्लस मार्क्स अचीव कर लेते हो तो तुम्हारे को इंटरव्यू कॉल पक्का मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आई थिंक हमें पता लग गया कि क्या क्या आ रहा है टेस्ट में, ठीक है, ओवरऑल। अब मैं उसके डेप्थ में बताने वाला हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ कहाँ से पढ़ने की, तो यार डिफरेंट रिसोर्सेज है हमारे कोडिंग निंजास पे, आई थिंक कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म पर गाइडेड पाथ है पूरा TCS NQT का, है ना, अगर तुम देखोगे पूरा स्ट्रक्चरिंग से बना हुआ है वो,
कि हमें लॉजिकल रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन करने हैं, अरिथमेटिक एबिलिटी में कौन से क्वेश्चन करने हैं, पूरा डिटेल में अच्छे से गाइड पाथ बना हुआ है, उन कंटेंट्स को रेफर कर सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज है TCS NQT के नाम पे, उस टेस्ट को दे सकते हो। और भी सर्विस बेस्ड कंपनीज के टेस्ट है, विप्रो का हो गया, इन्फोसिस का हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के टेस्ट भी आ गए हैं। इसके अलावा एक हमारा जेनरिक कोर्स भी है फॉर ऑल द सर्विस बेस्ड कंपनीज, जो बेसिकली TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक करने में, कोडिंग राउंड्स क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो उस कोर्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, गाइड पाथ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, डू चेक आउट देम। आई थिंक बहुत ही अमेजिंग दिमाग लगा के रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, और कोर्सेज में तो हमारे स्पेशल डिस्काउंट चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली चेक आउट द डिस्काउंट्स एज वेल, काफी सस्ता कोर्स भी है, और पक्का अच्छे से अगर करोगे तो पक्का इन कंपनीज के लिए तो आराम से रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने इसकी बात कर ली, व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न, है ना। सो ये अगर हम अच्छे से इन सब रिसोर्सेज को ढंग से रेफर कर लेना, अपने सिलेबस में ऐड कर लेना, और इनको अच्छे से कर लोगे तो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअली लाइक फर्स्ट राउंड का तो क्लियर हो गया, अब एक्चुअली इंटरव्यू कॉल होता है तो उसमें क्या होता है, राइट। इंटरव्यू कॉल में क्या होता है, देखो फर्स्ट राउंड अगर हमने क्लियर कर लिया, अगर हमें इंटरव्यू कॉल मिल गई, तो यार उसके अंदर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाइज चीजें पूछी जाती हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हो सकता है, तुम्हारे से ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, तुम्हारे से अगर तुमने कोई इंटर्नशिप करी हुई है उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, जनरली थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन होता है ना, वहां पर ज्यादा एप्टीट्यूड वाली चीजें मैटर नहीं करेंगी, बट ये चीजें मैटर करेंगी। और ऐसे कोई बहुत हार्ड कोर हार्ड लेवल के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलाने हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट बेसिक्स आने चाहिए, अगर तुम्हें जावा आती है तो जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट पे कुछ कुछ पूछ लेंगे, इनहेरिटेंस कैसे होता है ये सब, है ना। अगर तुम्हें बेसिकली C++ आती है तो C++ में पूछ लेंगे कि ये वर्चुअल क्लासेस क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं पूछेंगे। प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट अगर तुम्हें अच्छे से बताना आता है तो दैट विल रियली मैटर, है ना। दीज आर द थिंग्स दैट रियली मैटर, प्रोजेक्ट्स हो, इंटर्नशिप है, और बेसिकली अगर कुछ कुछ ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के अच्छे से नॉलेज है, तो अच्छे से हम वो उसका इंटरव्यू राउंड में निकाल सकते हैं, है ना। ये मैं TCS की बात कर रहा हूं, जनरली 1200 प्लस कट ऑफ कर दी हमने, 30 प्लस स्कोर कर लिया IT में, और ये इंटरव्यू राउंड में मैंने बता दिया कि हमें क्या क्या करना है, अगर ये सब कर लोगे तो पक्का TCS जैसी कंपनी तो अच्छे से निकाल पाओगे, है ना। अब देखो यार एक बात है, कहीं कहीं जगह मैंने एग्जांपल सुने हैं जिसमें देखो फर्स्ट राउंड में IT से ज्यादा एप्टीट्यूड मैटर करता है, तो अगर तुम्हारा बेसिकली 1200 की जगह मान लो 1500 स्कोर है तो दैट इज एन अमेजिंग स्कोर, और IT में थोड़ा कम भी है तो भी शायद इंटरव्यू कॉल आ जाए, है ना। तो नेसेसिटी नहीं है, जनरली ये देखा गया है कि 1200 प्लस और 30 प्लस पे अच्छे पक्का इंटरव्यू कॉल आ जाती है, बट एक वो लिमिट है कि यार बेसिकली 1500 अगर कर लेते हो, अगर एप्टीट्यूड में बहुत सही हो, IT में थोड़ा कम भी हो तो ठीक है ना, वो अपने इंटरव्यू राउंड में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फोकस थोड़ा सा एप्टीट्यूड राउंड पे अच्छे से करना है ना, और टॉपिक्स वही है जो मैं बताने वाला हूँ, टॉपिक्स वही है लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, राइट, क्लॉक के क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, ये सब बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, पजल्स को सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए, है ना, कि ये फिगर बनी हुई है, ये फिगर बनी हुई है, नेक्स्ट फिगर क्या होगी, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन, जो भी बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड जो हम देते जा रहे हैं ना, उन्हीं चीजों पर फोकस करना है ना। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, वर्बल सेक्शन में आती है इंग्लिश, सिनोनियम, एंटोनियम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ी सी इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे 2-3 महीने हैं, एप्टीट्यूड की तैयारी तो अच्छे से कर ही लो, तुम्हें जनरली कोडिंग में भी वो हेल्प करेगा और जनरली इन टेस्ट के लिए भी तुम्हें रेडी कर लेगा। इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तुम इन रिसोर्सेज से जो मैंने बताया वहां से रेफर करके तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बाकी प्रोग्रामिंग में बेसिक्स वही है, आउटपुट के क्वेश्चन जनरली जो इनका टेस्ट होता है उसमें सी के आउटपुट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बुक भी आती है यशवंत कानेटकर की, उससे भी पढ़ सकते हो, तो थोड़ा सा सी के आउटपुट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और बेसिकली कुछ कुछ सी के बेसिक्स कर लो कि यार इस कोड में क्या एरर है, ये सब अच्छे से पढ़ पाओ। आई थिंक ओवरऑल सिलेबस यही है, एप्टीट्यूड का मैंने बता दिया, मैंने रिसोर्सेज बता दिए वहां से तुम रेफर कर सकते हो, मैंने बेसिकली पूरा ये बता दिया कि कोडिंग वगैरह में क्या करना है, इंटरव्यू राउंड्स कैसे होता है, ये पूरा अच्छे से मैंने तुम्हें क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया, अब करना तुम्हें है। अब मैं तुम्हें यही बोलूंगा, अगर क्वार्टर हर क्वार्टर में टेस्ट हो रहा है तो भाई 2-3 महीने पहले तैयारी अच्छे से कर लेना, कोर्स करना है कोर्स करो, खुद से पढ़ना है खुद से पढ़ो, चीजें तुम्हें पता है क्या पढ़नी है, बट अच्छे से पढ़ाई करो। आसान नहीं होता टेस्ट निकालना, क्योंकि एज यू कैन सी 3-4 लाख लोग दे रहे हैं साल में, तो यार कंपटीशन तो है यहाँ पर भी, है ना। बट ठीक है, चीजें वही हैं जिसपे कॉमन चीजें जो हमें कोडिंग में भी हेल्प करेंगी और इन जनरल लाइफ में हेल्प करेंगी, तो यार अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और
फर्स्ट ईयर से पढ़ना है, सेकंड ईयर से पढ़ना है, जब से पढ़ना शुरू करना है, बट इन चीजों पे साथ साथ काम करते रहो. सो दिस विल गिव यू अ पुश कि कोडिंग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ थोड़ा एप्टीट्यूड की तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा बैकबोन रेडी हो जाएगा कि चलो यार यहां पर तो मैं किसी तरह जॉब निकाल ही लूंगा. ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ दीज टेस्ट. इनकी वेबसाइट पे रेगुलरली अपडेट रहा करो, है ना, कि यार कभी भी जैसे ऐसा नहीं है कि दिसंबर में तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा पहले करना होता है. तो बी अवेयर ऑफ दैट कि रजिस्ट्रेशन टाइम पे कर लो और अच्छे से इनकी पढ़ाई कर लो. आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक दिस TCS NQT टेस्ट, है ना. तो ओवरऑल यही है जो हमें तैयारी करनी है. ओवरऑल आई थिंक तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी, पूरा एक रोड मैप मिल गया होगा कि यार अच्छे से अगर हम पढ़ाई करें तो 2-3 महीने में हम ये TCS जैसी कंपनीज आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, सो अगर कुछ भी कमेंट है कि यार मैंने कोई मिस करा हो पॉइंट, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, सबको पता चल जाएगा, है ना. और अगर तुम्हारी कोई और रिक्वायरमेंट है किसी वीडियो की, इसी टाइप के कोई टेस्ट की, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट एंड मेक ऑन दैट, है ना. पसंद आ रही है वीडियोस तो यार लाइक एंड शेयर कर दिया करो, है ना, एक दूसरे की मदद कर दिया करो जिससे कि रीच बढ़े और उन लोगों की मदद हो और लोगों की जॉब्स लगे, राइट. इवेंचुअली हमें सबकी जॉब्स लगवानी है, अच्छे से लोग काम करना है, इकोनॉमी बिल्ड करनी है, तो प्लीज इन सब चीजों पर फोकस करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट कर देना कोई भी तुम्हारे को फीडबैक हो या कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट हो. और मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में. चलो, थैंक यू.